एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्री सुशील दुग्गल जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। श्री सुशील दुग्गल जी दा जन्म पिता श्री संतराम दुग्गल जी दे घर माता श्रीमती अमरावती दुग्गल होणा दी कुखों 13 मई 1945 नूं हदियाबाद फगवाड़ा विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगढ़ अते सियाणे सन। आप जी दे पिता जी पब्लिशर सन अते न्यूज यूनाइटेड पब्लिशर दे नाम हेठ काम करदे सन अते 13 साल दी उम्र तो ही आप जी ने भी अपने पिता जी दे काम विच हाथ वटाउणा शुरू कर दिता अते न्यूज यूनाइटेड पब्लिशर फर्म दे अंडर काम करदे रहे अते इस दे नाल नाल ही आप जी ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। आप जी ने नाइट क्लासेस ज्वाइन कीतियां अते इस तरह करदियां ही करदियां आप जी ने अपनी ग्रेजुएशन तक दी पढ़ाई पूरी कीती। आप जी अपने हर काम नु बहुत ही मेहनत लगन अते ईमानदारी नाल करया करदे सन। आप जी अपने निश्चय दे बहुत ही पक्के इंसान सन। आप जी दा विआह 8 दिसंबर 1965 नु श्रीमती सुरेशता दुग्गल जी हुणा नाल होया। आप जी दे घर 3 बच्चियां नीति अरोड़ा पूजा भगत अते सचिन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नु खूब चंगे संस्कार दिते पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। पर आप जी नु उस समय गहरा सदमा लगा जदों आप जी दे बेटे सचिन आप जी नु बेवक्ती विछोड़ा दे गए। पर फिर भी आप जी ने हिम्मत ना हारी अते परमात्मा दा भाणा मनदे होए इह सब कुछ स्वीकार कीता अते अपनियां बेटियां नु अपना पुत समझ के समाज दा चंगा नागरिक बनाया। श्री सुशील दुग्गल जी बहुत ही मेहनती इंसान सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते परमात्मा विच विश्वास रखण वाले इंसान सन। मौजूदा समय विच आप जी दी फुलवाड़ी पूर्वी सावी धैर्य अते तेजस नाल महक रही है। उना दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उना दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच मिसेस सुरेशता दुग्गल नीति अरोड़ा पूजा भगत डॉक्टर जतिंदर अरोड़ा सुमित भगत पूर्वी सावी धैर्य तेजस अते उना दे समूह परिवार वल्लों गीता मंदिर सेंट्रल टाउन जलंधर विखे करवाया गया जिस विच सब तो पहला पवित्र अमृत वाणी दा पाठ कीता गया। Yeah.
उपरंत पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दियां सच्चाइयां बारे चानना पौंदे हुए सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलन दी सिख्या दित्ती। आज हम इस शोक सभा में विराजमान हमारे बीच में श्री सुशील कुमार दुग्गल जी
जो कि अपनी सांसारिक यात्रा को पूरी करके प्रभु के चरणों में जा विराजे हैं, आज उस दिवंगत आत्मा को सुनाने देने के लिए और दुग्गल परिवार को, उनकी बेटियों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पर हम सब गिरा, क्योंकि कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा धन के फकीर एक सिंहासन चढ़ गए हो, एक बांधा गयो जंजीर, इस नाश्वास संसार में अनाश्वर शरीर को छोड़ के एक का दिन सब को जाना है। इस संसार में सदा के लिए कोई ना आया है और सदा ना रहेगा, आने जाने का सिलसिला ये चलता ही रहेगा। इस संसार एक ऐसा सराय और इस सराय में सभी को आना और जाना पड़ता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक को इस संसार को छोड़ के जाना। और ये सब का स्थान निश्चित होता है, चाहे कोई महल में रहता हो चाहे झोपड़ी में रहता हो, लेकिन अंत समय का स्थान जो होता है, हर प्राणी का एक ही स्थान होता है जिससे कहते हैं संसार। जहां पे सबको जाना होता, अमीर गरीब हर एक की लाशें एक ही जलती हैं, चाहे वहां पे गरीब हुआ हो चाहे अमीर। इसी प्रकार से संसार में हम आते हैं और आने के बाद कर्म करते हैं, कर्म करके और अपने कर्मों के फल को भोग करके इस संसार को छोड़ देते हैं। संसार में हर प्राणी का आना जाना, चाहे कोई कहते एक का जाना अच्छा, थोड़ा सा सुखदायी जो दुख भोगते, चार पाई के पड़े भोगते, समय व्यतीत होते, लेकिन दुख तो हर एक को होता है। यहां तक ही कहते हैं एक अगर हम कुत्ते को पालते हैं, अगर कुत्ता भी हमारे शरीर को छोड़कर चला जाता है तो उसके लिए भी हमें दुख होता है। तो आज पाई के जाने के बाद बड़ा ही वियोग होता है। आज दुग्गल परिवार जो कि संक्रांति बड़े ही निष्ठावान धार्मिक थे और हर प्रकार से अपने बच्चों को अच्छा लायक बनाया, आज उनके बेटे सुशील जी जो बेटे और उनके बेटे रमेश दुग्गल लक्की दुग्गल बैठी हुई, जो भी कहा जाता है कि एक समय हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आज जो अपनी आत्मा को छोड़ के चले गए, आज उनके भाई रमेश दुग्गल, लेकिन अब इस संसार में थे रमेश दुग्गल है, श्री सुशील दुग्गल को भाई के रूप में नहीं देख सकते हैं, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पौत्र के रूप में, हर रूप में देख सकते हैं। लेकिन कहते शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भाई के साथ भाई भाई जो होते हैं, फिर एक माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, पिता पुत्र पत्नी स्त्री बेटी बेटा ये सब जाकर के भाई के रूप में जन्म ले सकते, लेकिन सगा भाई जो होता है ये सगा भाई के रूप में जन्म नहीं देता है। आज ये बड़ी दुख की बात है कि आज जो भी इस प्रकार से आज पूरा कर रहा है, हर प्रकार से मंदिर में भी दान देने के लिए सक्षम है और सब देखते रहते, पीछे भी दुर्गा परिवार ने और बड़ा ही दान करके देखो, आज इनका वाटर भी दुग्गल साहब के नाम से चलता है, जो कि लोग बाहर से आकर के महाने की करके जाते वो भी आशीर्वाद देते,
तो आज उनकी बड़ी कृपा है। लेकिन ये जन्म मृत्यु को कोई नहीं रोका जा सकता। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में देखो कि कौरों के धृतराष्ट्र के 100 पुत्र सबके सब युद्ध मारे, ये किसका कारण क्या है। इसी प्रकार से राजा धृतराष्ट्र जाकर के महाभारत के युद्ध के बाद वेद व्यास जी से पूछते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप सब में सक्षम हैं, तो बताइए कि हमारे 100 पुत्र हमारे देखते देखते हमारे सामने आज संसार को छोड़ के चले गए, इसका कारण क्या है, कौन सा मैंने बुरा कर्म किया था जिसका दुख आज मुझे ये भोगना पड़ा। इस प्रकार से वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है मैं देखता हूं कि तुमने कौन से जन्म में कितना बुरा कर्म किया, उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसा देखते हुए वेदव्यास जी ने जब खाता खोलना शुरू कर दिया, देखा 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल, देखा कि देवता के कोई बुरा कर्म नहीं किया। खोलते खाता खोलते हुए थे, यहां तक देखा कि 100 वर्ष तक देवता ने कोई बुरा कर्म नहीं किया। कहने लगे कि मेरी दृष्टि में तुम बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन ठीक है थोड़ा और आगे देखते। जब देखा 101 वर्ष का खाता खोला तो धृतराष्ट्र को देखा कि धृतराष्ट्र एक भीगों का राजा, और भीगों का राजा होते हुए अपनी प्रजा का बड़े चाव से अपनी संतान की भांति ही पालन करता, प्रजा से बड़ा प्रेम करते, उसकी राज में प्रजा बड़ी दुखी थी। और समय बीतता गया, उन्हीं के राज में ये हंस और हंसनी, यानी हंस हंसनी थे, वह दोनों जिनका नाम था मणिक और कोनिका, मणिक कोनिका दोनों बड़े लाड़ प्यार से रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं। संतान न होने के कारण वह बड़े दुखी थे। धीरे धीरे समय बीतना गया तो पत्नी ने कहा कि हमारी कोई संतान नहीं, अंत समय में हमारे पितरों को तर्पण कौन करेगा, कौन जल देगा, क्योंकि कहा जाता कि अगर संतान ना हो उस घर को पितर और देवता भी नहीं देखते, वो घर का जल भी उष्ण यानी गर्म हो जाता है। तब पति ने कहा कि क्या किया जाए, पत्नी ने कहा इससे अच्छा कि आत्महत्या कर लिया जाए, तब भी अच्छा रहेगा। तो मालिक ने कहा नहीं, आत्महत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जब प्रेत की योनि होती है और प्रेत की योनि मिलने के बाद उस प्राणी को यहां तक कि जल भी नहीं पीने को मिलता है, तो वायु पी करके रहना पड़ता है, इसीलिए इस प्रकार से आत्महत्या करना अच्छा नहीं। कोनिका एक दिन बैठी घर में विचार कर रही थी और साथ में चावल के दाने चुभ रही थी, दाने चुपके चुपके उसके हाथ से एक हाथ से चावल का दाना छूट गया और कोनिका वहां से चली गई। देखी कि कबूतर का बच्चा आया उस दाने को खा करके वहीं बैठ गया। दूसरे दिन कोनिका ने देखा वो कबूतर का बच्चा आया, उसने दो दाने और फेंक दिया, धीरे धीरे 100 बच्चे इकट्ठे हो गए। अब कोनिका और मणि दोनों बड़े खुश हुए,
कहने लगे, अब मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं रह गई, परमात्मा ने मुझे संतान भी दे दिया, जीव तो जीव होता है। अगर देखा जाए तो हर एक में परमात्मा का वास होता है, लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए हम दौड़ते रहते। इस प्रकार से जैसे हिरनी की नाभि में कस्तूरी होती है और वो कस्तूरी महकने लग जाती है, तो उसे पाने के लिए वो हिरनी जंगल जंगल में दौड़ने लगती है। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट गाम है दुनिया देखे। इसी प्रकार से परमात्मा हर एक में विराजमान, लेकिन वो हमें किसी को दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से कोनिका मलिक ने कहा कि हमारे पास तो देखो 100 बच्चे हो गए, किसी प्रकार की कमी नहीं। अब दोनों ने विचार किया कि बच्चे हो गए, चलो थोड़ा सा तीर्थ यात्रा भी कराएं। तो कोनिक मलिका ने जो विचार किया, फिर कोनिक ने कहा कि हमारे बच्चे कौन देखे, इनकी देखभाल कौन करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे राजा, और हम राजा के पास ले चलते हैं, वहां राजा के पास इनको सौंप देंगे, फिर तीर्थ यात्रा करके वापस आएंगे तो देखते हैं। ठीक है, ऐसा करके वह वीरों के राजा के पास गए और राजा के पास कहा कि राजा हम आपसे एक सहायता चाहते। उन्होंने कहा बोलो। कहते मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, आप इनको थोड़ा सा संभाल दें। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है भाई, जा रहे हो जाओ, मैं बच्चों को संभाल दूंगा। दरबारी को बुलाया, बच्चों को एकांत में एक कमरे में रखवा, और वीरों का राजा बीमार करता, उसे कुछ खाना पीना अच्छा ना लगे। रसोइया बड़ा उनका होता था, वो भी कुछ ना खा, मेरा राजा नहीं खा रहा है तो मैं कैसे खाऊं। तो इस प्रकार से एक दिन रसोइये ने सोचा, इतने बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को मार करके राजा को खिलाऊं शायद राजा खाए, क्योंकि कुछ खा पी नहीं। ऐसा करके बच्चे को जाया बजा करके मार के बना के राजा को खिलाया, राजा को बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होकर के राजा ने अपने गले का हार उतारा, उतार करके और रसोइये को दे दिया। रसोइया बड़ा खुश हुआ, उसे खुशी का ठिकाना न रहा, उसने रोज प्रति एक एक बच्चे को मारना शुरू कर दिया, धीरे धीरे सारे बच्चे समाप्त। और समाप्त होने के बाद फिर मनिक और कोनिका दोनों वापस तीर्थ यात्रा से आए, राजा के पास गए। राजा ने कहा, राजा से कहा प्रभु अब राजा मेरे बच्चे वापस कर दो। राजा ने दरबारी को बुलाया, इनके बच्चे जाओ। जब दरबारी गया बच्चे देने के लिए, देखा तो जहां पे बच्चे थे वहां पे केवल बच्चों के पंख ही पड़े। उसने आकर के राजा को बताया, तो राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने मणिकोनिका से कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे तो खत्म हो गए। तो रसोइयों को बुलाया गया, रसोइये ने कहा बच्चे, कहते महाराज आप ही खा गए। कहते मैंने कैसे खाया। कहते महाराज प्रूफ मेरे पास है कि आपने, जब मैंने पहले बच्चे को खिलाया था तो आपने अपने गले का हार मुझे दे। इसी प्रकार से मैं प्रसन्न होकर के और आपको सारे बच्चे। इसी प्रकार से फिर राजा ने कहा, यही कोनिक मणि, मैंने आपके बच्चों को खत्म हो गए हैं, मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। तो कोनिक मणिक ने क्या उत्तर दिया, हे राजन मैंने अपने बच्चों को देखा, अपनी आंखों से उन्हें पाला पोसा सब कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता कि तुम्हारे 100 बच्चे होंगे लेकिन पति पत्नी तुम दोनों नहीं देख पाओगे, और ना उसे तुम्हारे सामने सबके सब समाप्त हो।
इसी प्रकार से वो सब के सब बच्चे जरा प्राणी जरा इंसान इस समाज के चंगे काम करता है उस इंसान को कदे नहीं भुलिया जा सकता। दुग्गल साहब का प्यार उन्हां दी इंसानियत और उन्हां दी ईमानदारी जिंदगी दे विच हमेशा याद रहती है। मेरा पिछले 25-30 साल तो इस परिवार के नाल प्यार है और किसी वे गोल मार्केट के इन्होंने खड़े होना और उन्होंने मिलना लेकिन इन्हें हमेशा ही इंसानियत वाली और ईमानदारी वाली गल करनी यहोजे शख्सियत वाले इंसान इस समाज के वाकई बहुत घट पैदा होते हैं। अज उन्होंने जाने जितने परिवार को बड़ा वाला घाटा होया अज समाज भी बड़ा वाला घाटा होया उन्होंने ब्रदर श्री रमेश डुग्गल जी दूसरे ब्रदर सारे को बहुत वाला घाटा है लेकिन परमपिता परमात्मा के अगे किसी का जोर नहीं चलता। इस परिवार ने उन्होंने बेटिया ने उन्होंने थाने लाने उन्होंने पत्नी ने बड़ी सेवा की अज के युग के बहुत घट यह परिवार बेटे बेटिया ने जोड़े अपने माँ बाप की सेवा करते हैं लेकिन अज के युग के जोड़े बेटिया बेटिया अपने माँ बाप की सेवा करते हैं जिंदगी के इस तो वही कोई और सेवा नहीं। तो मैं उस पर पिता परमात्मा के यही अरदास करता कि उस पिछड़ी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और पिछले परिवार को पाला पोषण का बल दे। ओम शांति शांति शांति। शोक समझ बैठी हूँ कामों के नाम की जरूरत तो भाभी जी क्या मगन रिक्वायर मंगल में असी इस धरती से जन्म लेते हैं सारी मौत पहले ही निश्चित है। मौत ही नहीं जिंदगी ने कई अहम चीजा की साड़ी एजुकेशन होना की साक्षर होना की साड़ी आदि होना यश यश सब परमात्मा को पहले निश्चित हो। इसी तरह मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे बड़े भाई श्रीमान सुशील डुग्गल जी साढ़े बिच नहीं रहे लेकिन उन्होंने मिठी याद हमेशा ही साढ़े मन च बनी गई। एक बहुत ही नेक इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत बड़ी मेहनत की थी वो अपने बच्चों को चंगी शिक्षा दी। डुग्गल तो बाद साढ़े सैकल लोगों का बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा परिवार क्योंकि जो भी मैं बहुत सुनाती है इस परिवार का असं कभी ना कभी मिलते रहे हैं खास करके रमेश जी बैठे हैं साढ़े बीच कई बार जिंदगी जो साढ़े को गलती भी हो गई है दो भाई ने तक समझा भी जे तुम राजनीति चंकी सेवा करोगे तो परमात्मा फल दे। रमेश जी का मेरा बहुत ज्यादा प्यार क्योंकि मैं कभी भी जिंदगी अपनी गल सीखनी हो पुछनी हो रमेश जी ने हमेशा ही मैं नेक सला सुशील जी का सुभाव अपने आप बहुत ही मिठा वो अपने आप बिजी गए मतलब मैं कल सच्चे पातशाह के यही अरदास करता हे सच्चे पातशाह जिनी आत्मा सू छ चली गई उन्होंने अपने चरणों निवास दें पिछले परिवार को भाना मन का बल दें खास करके हूँ रमेश जी के बड़े भाई के जाने तो बाद इन्होंने भी जिम्मेवारी आ गई इस परिवार की महामई अगर अरदास करते हैं इन्होंने बल दें बुद्धि दें ताकि जी इन्होंने जिम्मेवारी नहीं हो ईमानदारी निभा सके। ओम शांति 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 जी। शोक सभा च उपस्थित बुजुर्ग और लंबी उम्र हो स्वस्थ शरीर हो फरमाबरदार औलाद हो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए ऐसा शास्त्र कि उसका स्वर्ग उसका घर परिवार है। शास्त्रा च लिखा हुआ कथन श्री सुशील डुग्गल जी ने पूरा किया है। 90 साल तो बाद उम्र पाई पूर्ण स्वस्थ है और फर्मा बदलाव वाला दो बेटियां भी उन्होंने अपने जीवन च प्यार ही पाया प्यार ही बन गया अज की हाजिरी इसे उन्होंने अपने जीवन के अपनी औलाद बेटिया
अच्छे संस्कार मिलते, पढ़ाया लिखाया नेक बनाया और उसे संस्कार कर सकता है कि वो पिता श्री देव देते हुए संस्कारों की खुशबू ससुराल का जाएगा। कहते हैं कि अच्छे माली की पहचान उसकी फुलवाड़ी धोती हो, रंग बंगी हो, खुशबूदार हो तो व्यक्ति अंदाजा लगा लेता है इस बात का माली बहुत सकता है और व्यक्ति की पहचान उसके औलाद को मिली नहीं तो विश्वास के गाँव में जीवन सफल हो जाता है। इसके अलावा सुशील जी सफल जीवन माँ बाप बेटे बेटियाँ बहन परा इस संबंध अटूट है। जो भी कोई बिछोड़ा होता है तो टूटता ही होता है क्योंकि माँ बाप भी कभी बच्चे बड़े नहीं होते और सत्ता साल में तो बच्चियाँ ही माँ बाप बूढ़े नहीं होते। जो दुख असह पर अटह है रमेश जी विनोद जी क्योंकि आज बेटी और बेटियां खुश रह उसने वेखन मिले जो अंतिम संस्कार के उत्ते बेटी ने बेटी की भूमिका लेकिन वैसे ऐसी मान्यता है कि बेटियां की भूमिका होती है जिम्मेदारी लेकिन शास्त्र एक्सेप्शन ही करता है। एक दृष्टांत है कि जो भगवान राम सीता लक्ष्मण वनन हो गए तब ये भी भूल गए उस वक्त भगवान राम किसी कारणवश उन्होंने जाना पड़ा तो उस वक्त माँ सरस्वती सरस्वती गति से की उन्हें जो हाथ लिखा है राजा दशरथ कि मेरी गति क्यों हुई मेरे पिंड भी भगवान राम ने लक्ष्मण भी नहीं तो उस वक्त माता सीता ने रेता के पिंड बना के मेरी फरियाद तेरे दर उते और
सुना किनू मेरी फरियाद तेरे दर उते और सुनावा केनू और सुनावा केनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साईया रखी चरना दे कोल।